नाज़रीन, ये आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कैथलिक टीवी पाकिस्तान के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हिज एमिनेंस कार्डिनल जोसेफ कूट्स। तो यहाँ आकर कैसा फील कर रहे हैं, आज कैथलिक टीवी के बारे में क्या कहेंगे? ओहो, क्या फील कर रहा हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मुझे पता चला था कि आप शिफ्ट हो गए, अभी आप यहाँ आ गए इस नई बिल्डिंग में। तो अंदर आकर जब सीढ़ियों पे ऊपर ही चढ़ा तो मैंने देखा कि इतनी अच्छी सेटिंग है और किस मुनज़्ज़म तरीके से आप यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। क्योंकि मुझे याद है शायद 2008 या 9 की बात है, जब 2009 में फादर मॉरिस जलाल ने जो शुरू किया बिल्कुल छोटे पैमाने पे, और आज देखकर 11-12 साल हो गए तो कितनी तरक्की हो गई है। आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, टीम बड़ी अच्छी टीम है और ये टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क के साथ ही ऐसे तरक्की होती है। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ देखकर, मुबारक हो। बल्कि तो कर्नल साहब क्या कहेंगे कि जैसे आपने कहा कि ये 2009 से शुरू हुआ और आज ये बहुत अच्छा हो गया है और अच्छा काम चल रहा है, तो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में मीडिया की आज क्या ज़रूरत है, कितनी अहमियत है मीडिया की? अहमियत तो है, कितनी कैसे बताऊं, इतनी बहुत अहमियत है, क्योंकि मीडिया। मुझे याद है जब हम जवान थे, मैं भूल गया हूँ, मेरे ख्याल है 65 या 66 की बात है, जब पहली दफ़ा टीवी पाकिस्तान में आया तो जनरल अयूब खान ने इफ्तिताह किया था उस वक्त लाहौर में, और एक ही चैनल होता था, पीटीवी। लेकिन लाहौर, क्योंकि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, हम लाहौर में रहते थे, हमें अमृतसर टीवी भी कैच हम कर सकते थे, और अमृतसर टीवी देखने का बड़ा शौक होता था क्योंकि वो एक फिल्मी गाने का प्रोग्राम दिखाते थे, तो कुछ चॉइस नहीं था। अब देखें कितने चैनल्स हो गया, अब तो कंपटीशन भी है। जी जी बिल्कुल। तो हमने ये सोचना है, मीडिया इतना आम हो गया है, और उस वक्त मीडिया का मतलब सिर्फ टीवी पे देखना या प्रिंट मीडिया पढ़ना अखबारात, अब तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, स्मार्टफोन के ज़रिए से हम पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पता है कि कैसे उसको चलाना होता है। बिल्कुल। तो हमारा काम ये है कि जानना, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं टू डिसर्न, जज करना कि हम कैसे प्रोग्राम लोगों को दिखाएं, हम लोगों को क्या पैगाम दें, क्योंकि हज़ारों चैनल्स में से हमें पता नहीं क्या कुछ पैगाम मिल रहे हैं। बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मर्ज़ी देखते हैं, गलत चीज़ें भी देखते हैं, पोर्नोग्राफी भी देखते हैं। तो अगर आप चैनल चला रहे हैं तो बेशक आपको तो पता है, आपका जो सामने नस्बुलैन है वो क्लियर है, और जो मैं देख रहा हूँ कि आपके कितने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप सोच समझ के कर रहे हैं, आप एक मैसेज दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ बेशक ये कैथलिक टीवी है, चर्च की टीवी है, ये सिर्फ मसीहों के लिए नहीं पैगाम है, ये पैगाम सबको के लिए होना चाहिए, पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। हम क्या पैगाम दे सकते हैं, हमें यही पैगाम देना है जो बानी पाकिस्तान बाबा इकाम कादी आज़म ने फरमाया। बिल्कुल। बहुत ज़रूरी और बुनियादी तीन चीज़ें, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। बिल्कुल। ईमान, इतिहाद और डिसिप्लिन। ईमान ना हो, इतिहाद ना हो, और ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में इस वक्त। बिल्कुल। हम में इतिहाद नहीं, इतिहाद का पैगाम देना। खुदा ने हम सबको खलक किया है ताकि हम उसकी पाक मर्जी पर चलें। बिल्कुल। ये नहीं कि हर इंसान अपनी मर्जी करते जाए, दहशतगर्दी, तासुब, पता नहीं और क्या कुछ हो रहा है, हम अपने आप को तकसीम कर रहे हैं, कहाँ गया इतिहाद? इतिहाद ना हो तो मुल्क की कोई ताकत नहीं रहती। तो जो कदरें आप नशर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जो कि एक तरफ से हमारी मसीह ईमान के मुताबिक है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, लेकिन इनमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए कॉमन है, मुश्तरक है। तो ये जो मैं कहूँगा नेकी का काम आप कर रहे हैं, सिलेक्ट करके, तैयारी करके प्रोग्राम्स नशर कर रहे हैं, खुदा आपके इस मेहनत को बरकत दे ताकि इसका असर पूरे पाकिस्तान के शहरियों पर हो, ताकि हम एक हो जाएं, मिलकर फिर आगे कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए ना सिर्फ मीडिया चलाएं,
बल्कि दुआ भी करते जाए। जी कार्डिनल साहब, क्या हमारी कलीसिया में मीडिया की ज़रूरत है? ज़रूरत तो है, और जैसे मैंने कहा था कि और ये भी सोचना चाहिए कि क्या हमने दिखाना है मीडिया पे। बिल्कुल सही। क्या मैसेज देना है हमने, क्या ये लोगों के लिए मुफीद है या सिर्फ लोगों के दिल बहलाने का वाली बात है, या अपने आप को खुश करने के लिए है कि देखो हमने ये प्रोग्राम चलाया। सो बहुत कुछ हम जो मर्ज़ी चला सकते हैं, और लोग करते हैं। जैसे फेसबुक पे देखें, इसने घर में पकौड़े बनाए वो भी लगा देते हैं फेसबुक पे। बिल्कुल, यह हर छोटी मोटी बात। तो हमने ये सोचना कि यह क्या ज़रूरी है जिससे लोगों के दिलों और जहनों पे कोई असर हो, ताकि हम बेहतर बन जाए, हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा, बल्कि हमारा मुल्क, कैसे हम इसमें हमारा हिस्सा हो। क्रिश्चियन होते हुए ये हमारा काम है। जी जी। हमारा मसीह होते हुए खुदाबंद यीशु मसीह ने फरमाया इंजील मुकद्दस बाब मुताबिक यूहन्ना उसके 10वां बाब 10वीं आयत में, मैं इसलिए आया हूँ ताकि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। हम जिंदगी देने वाले हैं। जी जी। खुशखबरी देने वाले हैं, ईमान फैलाने वाले हैं, हम दहशतगर्द तबाह करने वाले नहीं हैं। जी जी। तो हमने ये रोल अदा करना है, हमारा भी हिस्सा होना चाहिए पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। एक अच्छा मुआशरा पैदा करना, लोगों में हम हंगी लाना। जी जी। यक दिल करना, इस परचम के तले हम एक हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी अच्छी बातें हैं, बच्चे और बहुत अच्छे गीत हैं, बहुत अच्छे शायर हैं हमारे मुल्क में। इन चीज़ों को सामने लाना और लोगों के सामने पेश करना। जी कार्डिनल साहब, आपने देखा कि जब आप विज़िट कर रहे थे, तो जब हमने अपने प्रोग्राम का तारफ आपको दे रहे थे कि हमारे पास ईमान की तशहीर के लिए कौन कौन से प्रोग्राम हैं, तो आपने देखा कि हमारे पास ख़वातीन के लिए प्रोग्राम है, हमारे पास नौजवानों के लिए प्रोग्राम है, हमारे पास बाइबल के प्रोग्राम हैं, हमारे पास अपना जो तुरियाई साल के मुताबिक हम सारे प्रोग्राम करते हैं, और इबादत को जो है वो लाइव परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम आपने देखे हैं कि कैथलिक टीवी एक ख़ास पैटर्न के साथ काम कर रहा है, ताकि लोगों में ईमान की जो बेदारी है उसको पैदा किया जा सके। तो आप आज कलीसिया पाकिस्तान को हमारे कैथलिक टीवी के ज़रिए क्या मैसेज देंगे? मज़ीद और मैं क्या कहूँ, हमारा काम बेसिकली है खुशखबरी देना। इंजील का मतलब ही है खुशखबरी, और मसीह होना, खुदाबंद यीशु मसीह की पैरवी करने वाले का मतलब यही है कि ना सिर्फ अल्फाज से खुशखबरी सुनाना, बल्कि ख़ुद अपनी ज़िंदगी से मिसाल देना। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने ये भी फरमाया इंजील मुकद्दस बाब मुताबिक यूहन्ना 15वां बाब में, जहाँ यीशु कहते हैं ताक मैं हूँ और तुम डालियाँ हो, और हमने वो डालियाँ बनना हैं जो अच्छा फल लाएं। इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो जब तुम अच्छा फल लाओगे। अच्छे काम करने से हम खुदा को भी जलाल देते हैं, सिर्फ होंठों से नहीं बल्कि अपने अमाल से भी। ईमान के साथ ईमान होना ज़रूरी है। जब ये दो चीज़ें एक हो जाती हैं, मेरा ईमान और मेरा काम, मेरे ईमान, तो फिर ये हमारी इबादत भी सही होती है और खुदा ताला को हम जलाल दे सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच कार्डिनल साहब, आप आज कैथलिक टीवी पाकिस्तान के स्टूडियो में आए और इसको विज़िट किया, और हम सब आज शादमान हैं, खुश हैं आपकी तशरीफ़ आवरी पर, और आपने अपने खूबसूरत ख्यालात का भी यहाँ हमारे नाज़रीन के साथ इजहार किया। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने सुना कि कार्डिनल जोसेफ कोट साहब ने बहुत सी अच्छी बातें आपके लिए की हैं, और आज कैथलिक टीवी के बारे में और मीडिया के बारे में आपको बड़ा शेर हासिल नॉलेज दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी मीडिया पर करें सोच समझ के करें, ये नहीं कि गैर ज़रूरी चीज़ें भी हम मीडिया पे अपलोड करते जाएं, बल्कि वो चीज़ों को सिलेक्ट करें जो हमारा ईमान जो है बढ़ा सकें और हमारी अच्छी तरबियत उसमें नज़र आए। थैंक यू वेरी मच।